चलिए मीडिया ट्रायल का पार्ट नेक्स्ट करते हैं हम। क्या कहता है मीडिया ट्रायल? बहुत अच्छी वॉक है, बहुत अच्छा कंटेंट। देखिए क्या कहता है। हमारा तीसरा पार्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट। देखिए क्या कहता है ये। इसकी पहली लाइन देखिए आप, कि भारतीय स्वतंत्रता के वो सॉरी भारतीय संविधान संविधान ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अनुसार मीडिया अपने विचारों को प्रकट करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। मीडिया इज एब्सोल्युटली लिबरेट, लिबरेट यानी स्वतंत्र है। मीडिया इज एब्सोल्युटली लिबरेट, एब्सोल्युटली का मतलब होता है पूर्ण रूप से, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली लिबरेट, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। मीडिया अपने विचारों को प्रकट करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। मीडिया इज एब्सोल्युटली लिबरेट टू एक्सप्रेस इट्स थॉट, अपने विचारों को प्रकट करने में, टू एक्सप्रेस इट्स थॉट, किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 19(1) के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19(1), अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19(1), ये हमारा अनुच्छेद कहता है। आर्टिकल 19(1) के अकॉर्डिंग मीडिया पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है कि साहब वो स्वतंत्र नहीं है, लेकिन लेकिन क्या चीज है वो देखिए आप। लेकिन एब्सोल्युटली लिबरेट टू एक्सप्रेस इट्स थॉट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 19(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान 19(1) के अनुच्छेद 19(1) के अकॉर्डिंग पूर्ण रूप से मीडिया आपका स्वतंत्र है। आगे चलिए। मगर उसे कुछ न्याय संगत प्रतिबंधों का पालन करना पड़ेगा। कुछ न्याय संगत जो आपके प्रतिबंध है उनका पालन करना पड़ेगा, ये बात सही करना पड़ता है। इट हैज टू भी लगा सकते हैं, विल हैव टू भी लगा सकते हैं। ही हैज टू कॉम्प्लाई विथ का मतलब है पालन करना। क्या? कुछ न्याय संगत प्रतिबंधों का, सम जस्टिफाइड रेस्ट्रिक्शंस, यहाँ पर लिखेंगे सम जस्टिफाइड रेस्ट्रिक्शंस। कुछ न्याय संगत उसका पालन करना पड़ेगा, सम जस्टिफाइड रेस्ट्रिक्शन का पालन करना पड़ेगा, और मैं अपने अधिकारों का मनमाना और स्वच्छंद प्रयोग नहीं कर सकता। बहुत अच्छी लाइन। इट कैन नॉट एक्सरसाइज, वो उपयोग में नहीं ले सकता है। एक्सरसाइज इट कैन नॉट एक्सरसाइज, क्या? मनमाना और स्वच्छंद, स्वच्छंद का मतलब एक्सट्रीमली लिबरल है कि साहब कुछ भी कर सकते हो आप, स्वच्छंद। आर्बिट्री, आर्बिट्री मनमाना, आर्बिट्री एंड स्वच्छंद यानी बिल्कुल पूर्ण रूप से खुला कर दिया कि आप कुछ भी कर सकते हो, लिबरेटेड। ये अच्छी लाइन है, अच्छे वर्ड है, अंडरलाइन करना। आर्बिट्री और लिबरेटेड, 19(1) में स्वतंत्रता तो है पर कुछ प्रतिबंधों के तहत, ये बात बिल्कुल तय है आपका। तो इसने कहा इट हैज टू कॉम्प्लाई विथ जस्टिफाइड रेस्ट्रिक्शंस, इट कैन नॉट एक्सरसाइज आर्बिटरी, आर्बिटरी का मतलब मनमाना, लिबरेटेड यानी स्वच्छंद, खुलकर वो नहीं कर सकता है। क्या? आर्बिटरी एंड जस्टिफाइड, इट कैन नॉट एक्सरसाइज आर्बिटरी एंड लिबरेटेड राइट्स, इतने अधिकारों को खुलकर प्रयोग नहीं कर सकता कि वह कुछ भी कर सकता है, उसको एक रेस्ट्रिक्शंस में काम करना पड़ेगा। स्वच्छंद लिबरेटेड आर्बिटरी मनमाना, ऐसा वो नहीं कर सकता है। फिर देखिए, एक मीडिया को जादुई बंदूक की तरह, गोली की तरह माना जाता है। बहुत अच्छी लाइन है, बहुत अच्छी कोटेशन मान सकते हो। एक मीडिया को जादुई बंदूक की गोली की तरह माना जाता है जो मानवीय दिमाग को सीधा निशाना बनाती है। ये कोटेशन मान लीजिए, बहुत अच्छी है। मीडिया के बारे में, मीडिया की एक तरीके से बहुत अच्छी बढ़ाई कर रही है। ये मीडिया इज अज्यूम्ड, सीधा स्ट्राइक दिमाग को ही करता है, वो सही और गलत वो तो बाद की बात है। मीडिया इज अज्यूम्ड, क्या? अज्यूम्ड एज ए मैजिकल बुलेट, एक जादुई गोली, एज ए मैजिकल बुलेट, एक जादुई गोली की तरह, जो क्या करती है, ये शरीर को इफेक्ट नहीं करती। ए मैजिकल बुलेट, एक जादुई गोली की तरह माना जाता है जो किसको इफेक्ट करती है, सीधा हिट करती है ह्यूमन ब्रेन को। बहुत अच्छा, अब इससे जोड़ेंगे आप, विच हिट्स जो सीधा हिट करती है ह्यूमन ब्रेन को। बहुत अच्छी कोटेशन मान लेना, ह्यूमन ब्रेन कैसे? डायरेक्टली दिमाग को असर करती है। मीडिया ने जो लिख दिया वो सही है,
गलत लिख दिया, वो सही है, सही गलत की परवाह का जो भेद है वो लोगों को बाद में पता चलता है, तब तक वो दिमाग को असर कर चुकी होती है। एक बार देख लीजिए मीडिया के बारे में हमारा पहला पैरा आज का क्या कहता है, बहुत अच्छा पैरा। मीडिया इज एब्सोल्युटली लिबरेट टू एक्सप्रेस इट्स थॉट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 91 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट हैज कॉम्प्लाई, इट हैज टू कर लेना, इट हैज टू कॉम्प्लाई विथ, करना पड़ता है, मजबूरी हमारी। इट हैज टू कॉम्प्लाई विथ सम जस्टिफाइड रेस्ट्रिक्शन, उसे कुछ न्याय संगत प्रतिबंधों का पालन करना पड़ता हैज टू में है हम। इट कैन नॉट, फिर मॉडल आ गया, इट कैन नॉट एक्सरसाइज आर्बिट्रेरी लिमिटेड राइट्स, वो आपके मनमाना और स्वच्छंद अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता। मीडिया इज अज्यूम्ड एज ए मैजिकल बुलेट, वो एक जादुई गोली की तरह काम करता है, विच हिट्स, जो हिट करता है ह्यूमन ब्रेन को डायरेक्टली आपका सीधे तौर पर। अशोक पढ़िए से एक बार, यस, अब देखिए इसका साइटेशन लेते हैं, इसका साइटेशन बहुत खूबसूरत है, इस साइटेशन पर आपको हिट करना ही पड़ेगा। दिल्ली का जो आयुषी मर्डर केस हुआ था उसमें मीडिया ने डायरेक्टली 2-4 दिन में ही जो है ये सिद्ध कर दिया था कि साहब आयुषी के जो माँ बाप हैं वो उनको कन्विक्ट किया जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था। बहुत अच्छा मीडिया ट्रायल हुआ था इस केस का। देखिए आप ये क्या कहता है, दिल्ली के आयुषी हत्या केस में आनन फानन में यानी जल्दबाजी में उसके माँ बाप को मीडिया ने दोष सिद्ध कर दिया था। देखिए क्या कह रहा है, दोष सिद्ध कर दिया था इन द मर्डर केस ऑफ आयुषी ऑफ दिल्ली, लास्ट में भी लिख सकते हैं इन मर्डर केस ऑफ आयुषी ऑफ दिल्ली। दिल्ली का जो मर्डर केस था उसमें क्या किया उन्होंने, क्या किया दिल्ली केस मर्डर केस में इन्होंने क्या किया, दिल्ली के मर्डर केस में क्या किया इन्होंने, क्या हुआ देखिए आप। द मीडिया हैज कन्विक्टेड हिज पेरेंट्स, द मीडिया हैड कर दिया था, द मीडिया हैड कन्विक्टेड, सीधा खुद उन्होंने वर्डिक्ट कर दिया था, मीडिया हैड कन्विक्टेड, मीडिया ने सिद्ध दोष कर दिया था, किसको सिद्ध दोष कर दिया था, आपके हर पेरेंट्स, उसके माँ बाप को, आयुषी के माँ बाप को हर पेरेंट्स कन्विक्ट कर दिया था। बहुत अच्छा साइटेशन है, हर पेरेंट्स इन आनंद फानंद में इन हरीश कैरी, जल्दबाजी थी, टीआरपी बढ़ानी थी, बहुत जल्दी कन्विक्ट कर दिया था, चार्जशीट पेश नहीं हुई उससे पहले, तो इन्होंने जो है कन्विक्ट कर दिया था हरीश कैरी। हरीश कैरी को प्योर हिंदी में बोलेंगे आनन फानन, आनन फानन का मतलब प्योर जल्दबाजी में, अच्छा वर्ड है हिंदी में आनन फानन। दिल्ली के आयुष हत्या केस में आनन फानन में उसके माँ बाप को मीडिया ने दोष सिद्ध कर दिया था, अच्छा केस है, आप याद रखोगे। द मीडिया हैड कन्विक्टेड हर पेरेंट्स इन हरीश कैरी, फिर क्या हुआ, फिर उनको उच्च न्यायालय ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। ये देखिए आप, द ऑनरेबल हाई कोर्ट हैड एक्विटेड देम ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंसेस, अभी भी केस चल रहा है, ऑनरेबल हाई कोर्ट, इन्होंने तो सिद्ध दोष कर दिया था लेकिन चार्जशीट पूरी तरीके से सही नहीं होने के कारण उनको बरी कर दिया गया ऑनरेबल हाई कोर्ट। यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट आया, इसका मेंशन करना बहुत जरूरी है। ऑनरेबल हाई कोर्ट क्या किया इन्होंने, इन्होंने बरी कर दिया था, हाई कोर्ट ने इसको बरी कर दिया था, हैड हैड एक्विटेड एक्विटेड देम, उनको बरी कर दिया था। क्यों बरी कर दिया था, उसकी कहानी थी ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंसेस, साक्ष्यों के अभाव में, ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंसेस का बहुत अच्छा मीडिया ट्रायल हुआ था, ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंसेस। इस ऐसे के कंटेंट बहुत प्यारे हैं, आपको थोड़ा सा ढंग से हैंडल करना है ताकि हमारा कई ऐसे की ब्रांचेस में घूम जाएगा, राजनीतिक अपराधीकरण करेंगे तो ये जाने को तैयार है। ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंसेस, साक्ष्यों के अभाव में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसके माँ बाप को या उनको बरी कर दिया था, जबकि मीडिया ने कहा था ये तो कन्विक्टेड है, उन्होंने पहले ही वर्डिक्ट कर दिया था जो बिल्कुल गलत है। फिर क्या हुआ, मीडिया, फिर एक और देखो, मीडिया ने गोधरा दंगों की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी के माथे मंड दी थी, वो पहले ही कर दिया था, बहुत अच्छी, माथे मंड दी थी, द मीडिया हैड, अच्छा इसको थोड़ा ढंग से लिखना पड़ेगा, द मीडिया, माथे मंडना अपने, द मीडिया हैड लाइड, ये एक अच्छी फ्रेज है, मीडिया हैड लाइड, इन्होंने बात ही भर दी थी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गोधरा रायट्स, लेड करेंगे इसको, लेड रेस्पॉन्सिबिलिटी
रेस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत अच्छा वर्ड। मीडिया हैड लेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी? गोधरा जो दंगे हुए थे उनकी, ऑफ गोधरा रायट, ऑफ गोधरा रायट। किसके माथे मर्दी थी? नरेंद्र मोदी के माथे मर्दी थी। पहले कर दिया था कि साहब ये रेस्पॉन्सिबल एट नरेंद्र मोदी डोर, लाइन डोर का मतलब होता है किसी के माथे मर देना, ये अच्छी फ्रेज है। एट किसी के माथे मरने का मतलब दोष उसको दे देना, नरेंद्र मोदी डोर, किसी के माथे मरने का मतलब है किसी की डोर पर अपनी गलतियों को ले जाके छोड़ देना। लाई एट समबडी डोर का मतलब होता है किसी के माथे मर देना, कि ठीकरा बोलते हैं ना किसी के ठीकरा माथे फोड़ना, वो ठीकरा माथे फोड़ने वाली फ्रेज है ले एट समबडी, लाई एट समबडी डोर, बहुत अच्छी फ्रेज है। सही जगह सही फ्रेज का यूज करना भी एक आर्ट होती है। फिर क्या हुआ वो देखिए आप, वाइल जबकि अदालत 2014 में उनको क्लीन चिट दे दी थी, आइए फिर इसका उल्टा चला गया, जो इन्होंने कहा उसका उल्टा जा रहा है। वाइल कोर्ट हैड गिवन हिम क्लीन चिट इन 2014, जबकि वाइल कोर्ट हैड गिवन हिम, कोर्ट हैड गिवन हिम क्लीन चिट, कह दिया था भाई कोई लेना देना नहीं है, क्लीन चिट इन 2014, 2014 में इनको क्लीन चिट दे दी थी। दूसरा साइटेशन हमारे मीडिया ट्रायल को करोबरेट करने वाला, इस प्रकार मीडिया सर्वे सर्वा नहीं बन सकती, वो ऑल इन ऑल नहीं बन सकती, सो मीडिया कैन नॉट बिकम ऑल इन ऑल। पकड़ते चलिए कुछ नहीं, अब हिंदी का कंटेंट इंपॉर्टेंट है। सो द मीडिया कैन नॉट बिकम ऑल एंड ऑल, सो द मीडिया कैन नॉट बिकम ऑल इन ऑल, इसलिए मीडिया सर्वे सर्वा नहीं बन सकती, वो हेड नहीं बन सकती, वो पैट्रियार्क नहीं बन सकती। उसे अपने दायरे में रहकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना पड़ेगा, भूमिका इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपने दायरे में रहकर फिर आप हैविंग को कॉल करिए, हैविंग कैप्ट इन एम्बिट, अपने दायरे में रहकर हैविंग कैप्ट इन एम्बिट, उसे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाना पड़ेगा। ये बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप उसको तोड़ नहीं सकते हैं। हैविंग कैप्ट इन एम्बिट इट विल हैव टू प्ले ए वाइटल रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इट विल हैव टू निभाना पड़ेगा, इट विल हैव टू प्ले ए वाइटल रोल, उसे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाना पड़ेगा, प्ले ए वाइटल रोल, बहुत प्यारा कंटेंट समझिए। इन द मर्डर ऑफ आयुषी ऑफ दिल्ली, आयुषी का जो मर्डर केस था, द मीडिया हैड कन्विक्टेड हर पेरेंट्स, मीडिया ने जो बिफोर ट्रायल ही कन्विक्ट कर दिया था इन अरेस्ट कैरी आनंद फानन में, आनंद फानन या जल्दबाजी में, ऑनरेबल हाई कोर्ट हैड एक्विटेड देम, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया था, बरी कर दिया था ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंसेस, साक्ष्यों के अभाव में। द मीडिया हैड लेड रेस्पॉन्सिबिलिटी गोधरा रायट एंड नरेंद्र मोदी डोर, ये भूल जाओ इतना लंबा, तो ब्लेम भी कर देना, द मीडिया हैड ब्लेम्ड यू कैन से गोधरा रायट फॉर, ब्लेम नरेंद्र मोदी फॉर गोधरा रायट। वाइल कोर्ट हैड गिवन हिम क्लीन चिट इन 2014, जबकि 2014 में क्लीन चिट दे दी थी, सो द मीडिया कैन नॉट बिकम ऑल इन ऑल, वो सर्वे सर्वा नहीं बन सकती। हैविंग कैप्ट इन एम्बिट दायरे में रहकर, हैविंग कैप्ट इन एम्बिट दायरे में रहकर, इट विल हैव टू प्ले अ वाइटल रोल, उसे एक महत्वपूर्ण रोल को निभाना पड़ेगा। रेखा एक बार रिपीट करो, यस, इट विल हैव टू प्ले वाइटल इन मर्डर ऑफ आईसी ऑफ दिल्ली, द मीडिया हैड कन्विक्टेड हर पेरेंट्स इन हरीश कैरी आनंद फानन में, ऑनरेबल हाई कोर्ट हैड एक्विटेड देम ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंसेस, द मीडिया हैड लेड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गोधरा रायट एंड नरेंद्र मोदी डोर, द मीडिया हैड लेड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गोधरा रायट एंड नरेंद्र मोदी डोर, माथे मर दी थी, ठीकरा फोड़ दिया था, वाइल कोर्ट हैड गिवन हिम क्लीन चिट 2014, 2014 में क्लीन चिट दे दी थी, सो मीडिया कैन नॉट बिकम ऑल इन ऑल, वो सर्वे सर्वा नहीं हो सकती है। Having kept in ambit, it will have to play a vital role. ये कर सकते हो। और आखिरी पैराग्राफ बहुत गजब, बहुत ही शानदार का देखिए। जस्टिस के एस केहर ने मीडिया के विचारण को एक अति गंभीर और अति चिंतनीय विषय बताया। जस्टिस को लेकर आए जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, बहुत अच्छा इन्होंने कहा, क्या कहा देखिए आप। जस्टिस के एस केहर, ऐसा मेंशन करना जरूरी है आपके लिए, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे।
लोग बिना कुछ लिखे ही दिए मार्क्स की उम्मीद कर लेते हैं, डेटा ही नहीं है। हैड मेंशन, हैड मेंशन, ये जिक्र किया, क्या जिक्र किया? मेंशन। मीडिया ट्रायल ए सलाम एंड एक्सेसिव कंसर्न सब्जेक्ट, जस्टिस के एस केसर मेंशन दैट, दैट वो लगा देना, ये जिक्र किया दैट मीडिया ट्रायल क्या है। मीडिया ट्रायल उनके अनुसार, मीडिया ट्रायल इज क्या है उनके अनुसार, दो हिंदी में, गंभीर और अति चिंतनीय विषय, बहुत ही चिंतनीय विषय। ट्रायल इज ए ग्रेव भी कर सकते हैं गंभीर, सलम भी कर सकते हैं गंभीर, ग्रेव और सलम दोनों कर सकते हैं। एंड अति चिंतनीय विषय कि यार बहुत चिंता का विषय है, इस वर्ड को भी आप ऐसे भी यूज करेंगे। एक्सेसिव कंसर्न सब्जेक्ट, एक्सेसिव, एक्सेसिव कंसर्न, एक्सेसिव कंसर्न मैटर भी कर सकते हो, सब्जेक्ट भी कर सकते हो। अति चिंतनीय विषय आप लिंचनों को भी कर सकते हो, आप जो है ऑनर किलिंग को भी कर सकते हो, किसी को भी अति चिंतनीय विषय बताना, एक्सेसिव कंसर्न सब्जेक्ट, बहुत ज्यादा चिंतनीय विषय है। जस्टिस के एस केहर के अनुसार, बहुत अब सिर्फ मतलब की लाइन, मतलब की चीजें यहाँ पर यूज करते हैं, फालतू चीजों को यूज नहीं करना, रेलेवेंट चीजों को यहाँ पर यूज करना है, फालतू हमें वर्बेटिज्म नहीं करना जैसा लोग करते हैं, फिर भी उम्मीद करते हैं नंबर्स की। तो अति चिंतनीय विषय बताया और उनके अनुसार निष्पक्ष विचारण में मीडिया विचारण रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। बहुत अच्छी लाइन, बहुत अच्छा कंटेंट। उनके अनुसार मीडिया ट्रायल इज गोइंग इन द पाथ इम्पार्शियल ट्रायल अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार उन्होंने कहा कि साहब सबसे बड़ी बाधा है, अकॉर्डिंग टू हिम मीडिया ट्रायल, मीडिया ट्रायल, मीडिया ट्रायल इज लॉयन इन द पाथ, सबसे बड़ी बाधा है, द बिगेस्ट सबसेक्शन है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, लॉयन इन द पाथ। यदि आपकी राइटिंग बहुत शानदार हो गई, कुछ भी घुमा दो, लॉयन इन पाथ, लॉयन इन द पाथ काहे के लिए, काहे के लिए है, फॉर निष्पक्ष ट्रायल के लिए, इन इम्पार्शियल ट्रायल, इन इम्पार्शियल ट्रायल, बहुत सिंपल, बहुत सिस्टमेटिकली ये मीडिया ट्रायल इज गोइंग इन द पाथ इन इम्पार्शियल ट्रायल, निष्पक्ष विचारण वो सबसे बड़ी बाधा है, और कई बार न्यायिक निर्णय इस अवधारणा की परछाई में काम करते हैं। वो यही करना पड़ेगा कि यार एक्विट कर दिया, मैं भी एक्विट करूं दी को गले आ जाएगा। मैनी टाइम्स जुडिशियल डिसीजंस, मैनी टाइम सिंपल लैंग्वेज है, मैनी टाइम जुडिशियल डिसीजंस, जुडिशियल डिसीजंस वर्क्स, जुडिशियल डिसीजन वर्क अंडर, इसकी परछाई में काम करते हैं, इस मीडिया ट्रायल की परछाई में काम करते हैं, अंडर द शेडो ऑफ दिस कंसेप्ट, इस अवधारणा में, अंडर द शेडो, शेडो परछाई, शेडो आपका तत्वाधान, अंडर द शेडो ऑफ दिस कंसेप्ट, इस अवधारणा की परछाई में काम करते हैं कि मीडिया ने यदि एक्विट कर दिया तो आई विल हैव टू एक्विट, मीडिया ने यदि कन्विक्ट कर दिया तो आई विल हैव टू कन्विक्ट, यानी मुझे इनडायरेक्टली वी आर द पपेट ऑफ मीडिया, ऐसा लगता है, ऐसा हो सकता है, मे बी गारंटी नहीं ये होगा, ऐसा हो सकता है, क्यों ऐसा कनेक्शन है तो देखिए आप, क्योंकि मीडिया किसी विचारधारा को मजबूत कर देती है, उसने एक्विट 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 तो लगता है कि यार वास्तव में एक्विट तो नहीं है, बिकॉज मीडिया स्ट्रेंथन एनी गोल पोस्ट, वो किसी भी विचारधारा को, क्योंकि वो उसने कहा ना कि गोली की तरह है ये, सीधा दिमाग में स्ट्राइक करती है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज मीडिया क्या कर देती है, किसी भी विचारधारा को मजबूत कर देती है, स्ट्रेंथन कर देती है, स्ट्रेंथन एनी गोल पोस्ट, किसी भी विचारधारा को, इससे पहले एक अच्छी उपमा करी मीडिया के लिए, गोली की तरह होती है जो सीधा दिमाग पे स्ट्राइक करती है, एनी गोल पोस्ट, किसी भी विचारधारा को मजबूत करने के लिए मीडिया से ज्यादा सशक्त कोई हथियार नहीं है, क्योंकि हमने कल ही कहा था पेन इज माइटर देन सोड, एक जो पेन होता है वो तलवार से ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो देखिए आप, न्यायिक विचारधारा को मजबूत कर देती, क्योंकि न्यायिक विचारण और निर्णय उसी दृष्टिकोण से प्रभावित होता है
The judicial trial and decision is affected by that opinion. सीधी सी बात है, द जुडिशियल डिसीजन जो बना दी एक बार विचारधारा, द जुडिशियल डिसीजन, द जुडिशियल डिसीजन न्यायिक निर्णय इज अफेक्टेड बाय, ऐसा लगाओगे दोबारा लगा देना, इज अफेक्टेड प्रभावित होते हैं, किससे प्रभावित होते हैं, उस दृष्टिकोण या उस राय से जो उसने बना रखी है, इज अफेक्टेड बाय दैट ओपिनियन या बज, ओपिनियन भी लिख सकते हैं, बज भी लिख सकते हैं, बज होता है दृष्टिकोण, ओपिनियन होती राय, ओपिनियन और बज उस दृष्टिकोण से प्रभावित होते हैं जो मीडिया एक बार तय कर देती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, आसाराम बलात्कार केस मीडिया के कारण बच्चे बच्चे के जुबान पर आ गया था कि आसाराम को एक्विट कर देंगे, ये कर देंगे, आसाराम हैड बिकम टॉक ऑफ टाउन, आसाराम केस के केस मेंशन कर रहे हैं अमन, आसाराम रेप केस, रेप केस वाच या इस कर लो वाच, टॉक ऑफ टाउन, बच्चे बच्चे की जवान पर था, टॉक ऑफ टाउन मीडिया ट्रायल के कारण इतना हाइप कर दिया था, जिसका कहना क्या था, वाच और वो भी आपका उसके लिए कि साहब टीआरपी बढ़ेगी, और आगे कहा इस आरोपी का बिना विचारण की कठोर सजा एक आम विश्वास ने तय कर दी थी। देखो आप कि साहब कठोर सजा होगी, ट्रायल अभी हुआ ही नहीं। द रिग्रस पनिशमेंट हैज बीन प्रोनाउंस्ड टू दिस अक्यूज्ड विदाउट एनी ट्रायल, पहले ही क्या कर दी थी, द रिग्रस पनिशमेंट, एक कठोर सजा पहले से ही तय कर दी थी और ट्रायल हुआ ही नहीं था, द रिग्रस पनिशमेंट, द रिग्रस पनिशमेंट हैड बीन, द रिग्रस पनिशमेंट हैड बीन प्रोनाउंस्ड, द रिग्रस पनिशमेंट हैड बीन प्रोनाउंस्ड टू दिस accused, इस accused को, टू दिस accused, इस accused को तय कर दी थी विदाउट एनी ट्रायल, बिना किसी ट्रायल की कर दी थी, विदाउट एनी ट्रायल। बहुत अच्छे पेंशन आ रहे हैं, इन फैक्ट्स को याद रखना है आपको, बहुत शानदार रोल निभाएंगे, बहुत अच्छा रोल निभाएंगे। तो देखिए आप, जस्टिस की एस खेर की बात की अपन ने, उन्होंने जिक्र किया था दैट मीडिया ट्रायल इज ए ग्रेव, एक गंभीर, एक गंभीर और एक्सेसिव कंसर्न सब्जेक्ट है, अति चिंतनीय विषय है। अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अनुसार मीडिया ट्रायल इज दफाद रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है इम्पार्शियल ट्रायल, एक निष्पक्ष विचारण में। मैनी टाइम जुडिशियल डिसीजन वर्क अंडर द शेडो ऑफ दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के अंदर काम कर जाते हैं कई बार, बिकॉज मीडिया स्ट्रेंथन एनी गोल पोस्ट, वो किसी भी गोल पोस्ट को मजबूत कर देती है। जुडिशियल डिसीजन इज अफेक्टेड, वो प्रभावित होता है दैट ओपिनियन, उस विचारधारा से, उस दृष्टिकोण से, और इसमें हमने मेंशन किया आसाराम केस वाज टॉक ऑफ टाउन, बच्चे बच्चे की जमान पर था, द रिग्रस पनिशमेंट हैड बीन प्रोनाउंस्ड, कठोर सजा सुनाई गई थी टू दिस एक्यूज्ड, इस एक्यूज्ड को विदाउट एनी ट्रायल, बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी विचारण के। अशोक रिपीट करिए। यस, आइए नेक्स्ट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, जो अभी लेटेस्ट इसने दिशा निर्देश जारी किए वो देखिए। बहुत अच्छा हमारा लीगल कंसेप्ट प्लस हमारा नॉलेज का कंसेप्ट, बहुत अच्छा। देखिए क्या हुआ, पहली लाइन देखिए आप इसकी, पार्ट फोर्थ की, मीडिया खुला खुला न्यायिक कार्यों में हस्तक्षेप करता है, ये बात तो सही है, मीडिया इंटरफेयर्स इन, खुल्लम खुल्ला ऐसा भी नहीं कि गास वो है, मीडिया इंटरफेयर्स, मीडिया इंटरफेयर्स क्या करती है, मीडिया इन जुडिशियल वर्क, किसी भी न्यायिक कार्य में इंटरफेयर्स इन जुडिशियल, जुडिशियल वर्क, किसी भी न्यायिक कार्य में हस्तक्षेप करती है अवर्टली, खुल्लम खुल्ला, अवर्टली पहली बार आया, वेलकम करो, अवर्टली खुल्लम खुल्ला हस्तक्षेप करती है मीडिया, खुल्लम खुल्ला करती है, ऐसा नहीं है कि साहब उनको कोई घुमा फिरा के करती है, खुल्लम खुल्ला मीडिया हस्तक्षेप करती है न्यायिक कार्यों में, और इसलिए इस हस्तक्षेप को न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 के तहत एक अपराध माना जाएगा। कल वाली बात फिर कहानी हमारी घूम गई, जुडिशियल कंटेम्प्ट एक्ट को फिर बुला लें, सो दिस इंटरसेप्शन, ये दखल, सो दिस इंटरसेप्शन, दखल को बोलेंगे इंटरसेप्शन, सो दिस इंटर सेप्शन, ये दखल, सो दिस इंटरसेप्शन, इस दखल को क्या किया जाएगा, दिस इंटरसेप्शन क्या माना जाएगा,
इज अज्यूम्ड एज एन ऑफेंस, एक अपराध माना जाएगा। कल वाली बात फिर ये वहां पर भी यूज करते हैं, इज अज्यूम्ड एज एन ऑफेंस, एक अपराध माना जाएगा, एक अपराध माना जाएगा, खुल्लम खुल्ला करती है, बहुत अच्छी बात है। इज अज्यूम्ड एज एन ऑफेंस कब? अंडर जुडिशियल कंटेम्प्ट एक्ट 1971। कल वाला एक्ट फिर हमारे काम आ गया, नॉलेज हमेशा काम आती है। अंडर जुडिशियल कंटेम्प्ट एक्ट 1971, इसके अंदर के अपराध माना जाएगा। मीडिया खुल्लम खुल्ला जो है इंटरफेयर करती है, ये बात भी ठीक है। मीडिया इंटरफेयर से जुडिशियल वर्क अवर्टली, अवर्टली खुल्लम खुल्ला, वर्ड को देख के घबराने नहीं, खुल्लम खुल्ला आ गया तो क्या करें, ऐसा कुछ नहीं है। इसको अपराध माना जाता है, इसको अपराध माना जाता है, माना जाएगा तो विल भी कर लेना। जुडिशियल कंटेम्प्ट 1971 में फिर क्या हुआ, फिर देखिए, सुशांत सिंह की मृत्यु के बाद न्यायालय ने कुछ कठोर दिशा निर्देश जारी किए थे, इसको अंडरलाइन कर लेना। सुशांत सिंह की मृत्यु के बाद ये तो लेटेस्ट है, यहाँ पर कठोर दिशा निर्देश जारी किए थे, कोर्ट एड इश्यूड, ये बहुत अच्छा मेंशन, अच्छा पॉइंट, कोर्ट हैड इश्यूड, कोर्ट हैड इश्यूड क्या इश्यूड, स्टर्न इंस्ट्रक्शंस, कठोर दिशा निर्देश, कोर्ट हैड इश्यूड स्टर्न इंस्ट्रक्शन, कोर्ट ने कठोर दिशा निर्देश जारी किए थे। किसके बाद? आफ्टर डेथ ऑफ सुशांत सिंह, इसके बाद इन्होंने कहा भी आपको, आफ्टर डेथ ऑफ सुशांत सिंह, बहुत अच्छा नॉलेज, यदि ये मेंशन करेंगे हमें नंबर मार्क्स हिंदी इंग्लिश दोनों में शानदार मिलेंगे। तो इन्होंने बहुत अच्छा कहा, कोर्ट हैड इशूड इंस्टेंट इंस्ट्रक्शन आफ्टर डेथ ऑफ सुशांत सिंह के मामले में इन्होंने कठोर दिशा निर्देश जारी किए थे, उसके बाद जिसके तत्वाधान में मीडिया को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा, जिसके तत्वाधान में यानी जिसके पैट्रोनेज में, जिसके साय में, ये इन्होंने कहा था मीडिया विल हैव टू अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन, हिंदी में वर्ड पकड़ लेना निर्वहन, मीडिया विल हैव टू परफॉर्म निर्वहन करना पड़ेगा, विल हैव टू परफॉर्म अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा, विल हैव टू परफॉर्म इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा मीडिया को, ऐसे सख्त इंस्ट्रक्शन सुशांत सिंह की मृत्यु के बाद जो है इशू किए गए थे। मीडिया विल हैव टू परफॉर्म इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, आगे देखिए, किसके तत्वाधान में, अंडर दिस पेट्रोनेस, इस इंस्ट्रक्शन के तत्वाधान में, इसके साय में, अंडर दिस पेट्रोनेस इस साय में, इस तत्वाधान के साय में, अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट वर्डिंग है। आगे देखिए, हालांकि ये कहना कोई अतिशोक्ति नहीं है कि मीडिया कुख्यात अपराधियों के चेहरे से नकाब उतार देती है, उल्टा चल रहे हैं, ये आपके मीडिया के पिछली बार भी ऐसे आया था, इस बार भी घूम सकता है, ये कहना कोई अतिशोक्ति नहीं है। आल दो हालांकि, बड़े आराम से लिखना है आल दो, ये कहना कोई अतिशोक्ति नहीं है, ये आप पहले भी लिख चुके हैं। This is not an exaggeration. बहुत अच्छा वर्ड है exaggeration, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, कोई अतिशोक्ति कहना, कोई ऐसा वर्ड बोलना जो आपका कुछ बढ़ा चढ़ा कर हो। This is not an exaggeration to say, ये कहना कोई अतिशोक्ति नहीं है। This is not an exaggeration to say that, क्या that, कि मीडिया कुख्यात अपराधियों के चेहरे से नकाब उतार देती है, मीडिया नकाब उतारना, अनमास्क, समझना है,
ये आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं। पिछली बार भी मीडिया पर आया था अनमास्क, पिछली बार था रोल ऑफ मीडिया टुवार्ड्स डेमोक्रेसी, तो यहाँ पर भी आपका ये लिख सकते हैं मीडिया अनमास्क, मीडिया नकाब उतार देती है, अनमास्क कर देती है। किसको अनमास्क करती है मीडिया? मीडिया अनमास्क नोटोरियस क्रिमिनल, कुख्यात अपराधियों को अनमास्क कर देती है, बड़े बड़े स्कैम को अनमास्क कर देती है। ऐसा भी नहीं है कि वो निगेटिव गेम खेलती है, नोटोरियस क्रिमिनल्स, नोटोरियस क्रिमिनल्स को, कल्प्रिट को क्या कर देती है? ये अनमास्क कर देती है, नकाब उतार देती है। अभी आपका नकाब लिखा हुआ वर्ड नहीं है तो आप वहां से एकदम से कनेक्ट ही नहीं ले पाएंगे कि नकाब उतारने को क्या कहते हैं, अनमास्क कहते हैं। पिछली बार भी ऐसे आया था रोल ऑफ मीडिया रिगार्डिंग टू डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के संदर्भ में मीडिया का रोल, तो ये मीडिया का रोल है। सो द मीडिया अनमास्क नोटोरियस क्रिमिनल, मीडिया कुख्यात अपराधियों को अनमास्क कर देती है, चेहरे से नकाब उतार देती है, और सब बड़े घोटालों का एक क्षण में पर्दाफाश कर देती है। बड़े घोटालों को बड़े बड़े स्कैम लेकर आई है, ऐसी बात तो नहीं है, बड़ा बड़ा जो चारा घोटाला हुआ, तेल के प्रकरण हुआ, तो ऐसा नहीं है कि आप निगेटिव करें। इट रेक्स अप, रेक्स अप यानी पर्दाफाश करना, एक्सपोज भी कर सकते हैं आप, एक्सपोजेज भी कर सकते हैं, वो एक्सपोज कर देती है, रेकअप कर देती है, पर्दाफाश करना। इट रेक्स अप ह्यूज स्कैम्स, बड़े बड़े घोटाले, जितने भी बड़े घोटाले हुए हमारे इंडिया में, ह्यूज स्कैम्स, बड़े बड़े घोटालों का पर्दाफाश कर देती है मीडिया। उसकी पॉजिटिव पॉइंट लेकर आ रहे हैं क्योंकि कैसे घूमना है खुद को पता नहीं है, वो तो ऐसे घुमाएगा। इट ह्यूज स्कैम्स इन ए मोमेंट, एक क्षण में, इन ए मोमेंट, एक क्षण में वो बड़े बड़े घोटालों को क्या कर देती है, पर्दाफाश कर देती है, रेकअप कर देती है मीडिया। फिर मीडिया अपराध पर नकेल कसने के लिए मील का पत्थर की तरह काम करती है, बहुत अच्छी लाइन। मीडिया अपराध पर नकेल कसने के लिए मील के पत्थर का काम करती है। मीडिया को जो है एक तरीके से कंपेयर कर रहे हैं पॉजिटिव वे में, मीडिया वर्क्स एज, बड़े आराम से समझते हुए लिखना है, अब आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी खुद ब खुद। मीडिया काम करती है, वर्क्स एज, मीडिया काम करती है किसकी तरह, माइल स्टोन मील के पत्थर की तरह, माइल स्टोन जैसा वो कहता है वैसा हमें करना है और कुछ नहीं करना है। मीडिया वर्क्स एज माइल स्टोन, मीडिया जो है एक माइल स्टोन की तरह काम करती है, माइल स्टोन की तरह काम करती है, काहे के लिए, नकेल कसने के लिए, लगाम कसने के लिए, प्रतिबंध नहीं बोला है, मेरे हिंदी का वर्डिंग घूम रहा है, नकेल कसना और आपका लगाम कसना, टू ब्राइडल, टू ब्राइडल, ब्राइडल का मतलब होता है नकेल, ब्राइडल का मतलब होता है लगाम, ब्राइडल यानी नकेल खींचना। प्रतिबंध भी यूज कर सकते हैं लेकिन प्रतिबंध हिंदी में उतना प्यारा वर्ड नहीं है जितना नकेल है। तो आपने कहा मीडिया वर्क्स एज माइल स्टोन, वो मील का पत्थर की तरह काम करता है, टू ब्राइडल, किसको ब्राइडल? ओवर क्राइम, ब्राइडल के बाद प्रपोजिशन ओवर आएगा, ब्राइडल ओवर क्राइम्स। अच्छे से ऐसे के कंटेंट समझना सीखो, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। मीडिया वर्क्स एज माइल स्टोन टू ब्राइडल ओवर क्राइम्स। आइए मीडिया की कुछ बात करते हैं। हमने मीडिया के कहा कि साहब बहुत आनंद फानंद में डिसीजन दे देती है, आसाराम को कन्विक्ट कर देती है, कभी आरुषि मंडल केस के माँ बाप को कन्विक्ट या एक्विट कर देती है। आइए मीडिया इंटरफेयर से जुडिशियल वर्क अवर्टली, मीडिया खुल्लम खुल्ला न्यायिक कार्यों में दखल देती है। सो दिस इंटरसेप्शन, ये दखल इज अज्यूम्ड एज, इसको एक अपराध माना जाता है, किसके अंतर्गत? अंडर जुडिशियल कंटेम्प्ट 1971, 1971 के जुडिशियल कंटेम्प्ट एक्ट के तहत कोर्ट हैड इशूड, फिर एक अच्छी नॉलेज, ये बहुत अच्छी नॉलेज है, कोर्ट हैड इशूड स्टर्न इंस्ट्रक्शंस, कोर्ट ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए थे। हेड में है आप, एक्टिव में है आप, आफ्टर ऑफ डेथ ऑफ सुशांत सिंह, सुशांत सिंह की डेथ के बाद या सुशांत सिंह के डेथ के संबंध में, मीडिया विल हैव टू परफॉर्म इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, मीडिया को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा। परफॉर्म का प्योर हिंदी वर्ड है निर्वहन, निर्वहन का प्योर इंग्लिश वर्ड है परफॉर्म।
अंडर दिस पेट्रोनेस, इस इंस्ट्रक्शन के साय में जो आपके सुशांत सिंह की मृत्यु के बाद कोर्ट ने इश्यू किए थे, भाई आपका दायरा इतना ही है, दायरा निश्चित कर दिया था। ऑल्दो दिस इज नॉट एन एग्जैजरेशन टू से, हालांकि ये कहना कोई अतिशोक्ति नहीं है, ये बात को बड़ा चढ़ा कर नहीं कह रहे क्या, दैट मीडिया अनमास्क नोटोरियस क्रिमिनल, की मीडिया कुख्यात अपराधियों को पर्दाफाश कर देती है, बेनकाब कर देती है, उनके चेहरे से नकाब उतार देती है। अनमास्क और नलाइन कर लो, बेनकाब करना, किसी को पर्दाफाश करना, टेररिज्म भी काम में ले लेंगे, कहीं भी काम में ले सकते हैं। सो दैट मीडिया अनमास्क नोटोरियस क्रिमिनल्स टू रेक अप और एक्सपोज ह्यूज स्कैम, बड़े बड़े घोटालों का पर्दाफाश करने के लिए इन ए मूवमेंट, एक झटके में, एक क्षण में। मीडिया वर्क्स एज माइल स्टोन टू ब्राइडल ओवर क्राइम्स, या मीडिया की जगह कुछ भी लगा देना, पुलिस प्रशासन है, जुडिशियल डिसीजंस हैं, वो वर्क करते हैं माइल स्टोन की तरह टू ब्राइडल ओवर क्राइम्स, क्राइम पर नकेल खींचने के लिए वो माइल स्टोन साबित होते हैं, उनकी तरह वो काम करते हैं, वर्क्स करते हैं, वो आपका उसकी तरह वर्क करते हैं माइल स्टोन की तरह। अशोक कुमार रिपीट करना, यस, मीडिया इंटरफेयर्स इन जुडिशियल वर्क अवर्टली, मीडिया दखल देती है खुल्लम खुल्ला न्यायिक कार्यों में। सो दिस इंटरसेप्शन, ये दखल इज अज्यूम्ड, माना जाता है एज ऑफेंस, एक अपराध के रूप में, कब, अंडर जुडिशियल कंटेम्प्ट एक्ट 1971। कोर्ट हैड इशूड, कोर्ट ने इशू किए थे, क्या इशू किए थे, स्टर्न इंस्ट्रक्शन, सख्त दिशा निर्देश, आफ्टर डेथ ऑफ सुशांत सिंह, सुशांत सिंह की मृत्यु के बाद, मीडिया विल हैव टू परफॉर्म, मीडिया को निर्वहन करना पड़ेगा इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारियों का, अंडर दिस पेट्रोनेस, इस साय में, इस शेडो में, इस इंस्ट्रक्शन में। ऑल्दो, हालांकि, दिस इज नॉट एन एग्जैजरेशन टू से, ये कहना कोई अतिशोक्ति नहीं है, दैट मीडिया अनमास्क, मीडिया बेनकाब कर देती है नोटोरियस कल्प्रिट और क्रिमिनल्स, कुख्यात अपराधियों को नकाब उतार देती है, और इट्स रेकअप और एक्सपोजेस, ये पर्दाफाश करती है ह्यूज स्कैम्स, बड़े घोटालों का इन ए मोमेंट, एक झटके में, और मीडिया वर्क्स, मीडिया काम करती है एक माइल स्टोन, एक मील के पत्थर की तरह टू ब्राइडल और क्राइम्स, क्राइम्स पर नकेल खींचने के लिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं, मीडिया देश का वो ध्रुव तारा है जिसकी बराबरी कोई आधार स्तंभ नहीं कर सकता, क्या कंपेरिजन किया है, मीडिया देश का वो ध्रुव तारा है जिसकी बराबरी कोई आधार स्तंभ नहीं कर सकता, चाहे कितना ही कर लो, दैट मीडिया इज दैट पोल स्टार ऑफ कंट्री, बहुत अच्छा कंपेरिजन, कहीं भी यूज कर सकते हैं, मीडिया इज, कंपेरिजन चल रहा अपना, मीडिया इज, मीडिया क्या है, मीडिया है आपका पोल स्टार, ध्रुव तारा है, मीडिया आपका ध्रुव तारा है, मीडिया इज दैट पोल स्टार ऑफ कंट्री, मीडिया इज दैट पोल स्टार, मीडिया वो ध्रुव तारा है, पोल स्टार, मीडिया इज दैट पोल स्टार ऑफ कंट्री, मीडिया देश का वो ध्रुव तारा है, वो आधार स्तंभ है, वो ध्रुव तारा है, विच कैन नॉट बी वाइड विथ, which cannot be wide width by any foundation pillar, which cannot be, वो नहीं कर सकता जिसका, which cannot be, जिसका comparison नहीं हो सकता, पैसे में आप, which cannot be wide width, wide width को भूल जाएं, wide width अपना साथ नहीं छोड़ेगा, wide width भी कर सकते हैं और compete भी कर सकते हैं, competed width, जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती, competed width, किसके द्वारा, बाय एनी फाउंडेशन पिलर, किसी भी आधार स्तंभ के द्वारा, बाय एनी फाउंडेशन, एनी फाउंडेशन, स्टोन भी कर सकते हैं, पिलर भी कर सकते हैं, एनी फाउंडेशन स्टोन, किसी भी आधारशिला, किसी भी आधार स्तंभ से इसकी बराबरी नहीं की जा सकती, बहुत अच्छी लाइन, मीडिया इज दैट पोल स्टार, मीडिया वो ध्रुव तारा है देश का, which cannot be wide width by any foundation stone, जिसकी बराबरी कोई आधार स्तंभ नहीं कर सकता, कोई भी आधारशिला नहीं कर सकती। फिर
नेक्स्ट आइए, जेसिका लाल और नितिन कटारा का हत्याकांड में मीडिया ने अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बहुत अच्छा केस, जेसिका लाल भी बहुत उछला था, दिल्ली में मर्डर हुआ था, ये भी बहुत ज्यादा हाइप हुआ था। मीडिया हैड प्लेड ए वाइटल रोल, बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी यहाँ पर। यहाँ पर इसका पॉजिटिव रहता है, लेकिन आप दायरे में मीडिया हैड प्लेड ए वाइटल रोल, ए वाइटल रोल, मीडिया ने एक अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसके मामले में। आपके जेसिका लाल एंड नितिन कटारा, ये दोनों ही बहुत अच्छे केस थे। जेसिका लाल तो बहुत उछला था, उसका मर्डर हुआ था। जेसिका लाल एंड नितिन कटारा, जेसिका लाल एंड नितिन कटारा मर्डर केस, मेंशन करना बहुत जरूरी है। मर्डर केस मतलब आपका ऐसे लगना चाहिए कि किसी एडिटर ने लिखा है, मर्डर केस। बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी जेसिका लाल और इस मर्डर केस में। फिर क्या हुआ देखिए आप, मीडिया प्लेड ए पॉजिटिव एंड क्रिएटिव रोल, मीडिया सकारात्मक, मीडिया ने एक सकारात्मक और सृजनात्मक भूमिका निभाई थी। अंडरलाइन कर लो, मीडिया ने सकारात्मक और सृजनात्मक इस केस में, बहुत अच्छा कोई हेड लेंगे आप। मीडिया हैड प्लेड ए पॉजिटिव एंड क्रिएटिव रोल, सृजनात्मक के लिए कितना खूबसूरत वर्ड है क्रिएटिव रोल, बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी क्रिएटिव रोल। मीडिया ने एक सकारात्मक और जिसे कहते हैं बहुत ही सृजनात्मक भूमिका निभाई थी। मीडिया हैड प्लेड ए पॉजिटिव एंड क्रिएटिव रोल इन केसेस में, बहुत अच्छी। इन दिस कोल्ड ब्लडेड मर्डर भी कर सकते हैं इन सोची समझी गई हत्याओं में, इन दिस कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स इन सोची समझी हत्याओं में मीडिया ने एक बहुत ही सकारात्मक और सृजनात्मक रोल निभाया था। फिर क्या हुआ, एक आम इंसान का अभेद भरोसा है, अभेद यानी भरोसा है जिसको आप भेद ना सको, एक आम इंसान का अभेद भरोसा मीडिया होता है, तो मीडिया पे बहुत जबरदस्त रखता है। एक कॉमन पर्सन हैज, अभेद के लिए वर्ड अंडरलाइन कर लेना, एक कॉमन पर्सन हैज अभेद भरोसा होता है, इम्पेनिट्रेबल ट्रस्ट, एक अभेद भरोसा होता है इम्पेनिट्रेबल ट्रस्ट, कहाँ पर, मीडिया में उसका अभेद भरोसा होता है इन मीडिया। एक आम आदमी का, पहले ही बोला कि मीडिया एक गोली की तरह काम करती है जो सीधा दिमाग पे स्ट्राइक करती है, इसलिए एक आम आदमी का, एक कॉमन पर्सन हैज इम्पेनिट्रेबल ट्रस्ट इन मीडिया, इम्पेनिट्रेबल अभेद, बहुत अच्छा वर्ड है, काफी जगह यूज कर सकते हैं आप, आपको यूज करना आना चाहिए इम्पेनिट्रेबल, एक अभेद भरोसा होता है मीडिया में। फिर वह बड़े आदमियों के हाथों की कठपुतली नहीं होता जैसा कई बार फिल्मों में दिखाते हैं, वह बड़े आदमियों की हाथों की कठपुतली नहीं होता, इट इज नॉट वो नहीं होता कि पपेट है चाहे जैसा कर देगा कि साहब अखबार को खरीद लिया, इट इज नॉट पपेट ऑफ द बिग शॉट्स, बिग शॉट्स कहते हैं बड़े आदमी, सेलेब भी कह सकते हो, बड़े आदमी सारे गए, आसाराम हो गया, बाबा राम ही हो गया, पपेट यानी कठपुतली, वो बड़े आदमियों के हाथों की कठपुतली नहीं होता है, इम्पेनिट्रेबल का मतलब अभेद। और मगर मीडिया की भूमिका समय की कसौटी पर खरी नहीं उतर रही है। फिर बोल रहे हैं कि मीडिया नॉट होल्डिंग वाटर, मीडिया की भूमिका द रोल ऑफ कर सकते हैं, द रोल ऑफ मीडिया, मीडिया का रोल, मीडिया की भूमिका, इज नॉट होल्डिंग वाटर, मीडिया की भूमिका समय की कसौटी पर खरी नहीं उतर रही है, द रोल ऑफ मीडिया इज नॉट होल्डिंग वाटर एट
टचस्टोन ऑफ टाइम, एट टचस्टोन ऑफ टाइम। समय की कसौटी पर मीडिया खरादी उतर रहा है। द रोल ऑफ मीडिया इज नॉट होल्डिंग वाटर, द रोल ऑफ मीडिया इज नॉट होल्डिंग वाटर एट टचस्टोन ऑफ टाइम। समय की कसौटी पर मीडिया की भूमिका खरी नहीं उतर रही है। द रोल ऑफ मीडिया इज नॉट होल्डिंग वाटर एट टचस्टोन ऑफ टाइम। और आखिर में इसका बेकाबू रवैया इसकी भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, इसे कटघरे में खड़ा रख देता है। इसका बेकाबू रवैया, द अनकंट्रोल्ड भी कर सकते हैं, द अनकंट्रोल्ड भी ठीक है, द अनकंट्रोल्ड और बेकाबू के लिए अपने दूसरा वर्ड किया रैम्पेंट, द अनकंट्रोल्ड और रैम्पेंट। रोल ऑफ मीडिया, मीडिया का बेकाबू भूमिका, रोल ऑफ मीडिया क्या करता है इस पे प्रश्न चिन्ह लगाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन करो तो भी चल जाएगा, क्वेश्चन इट से भी काम चल जाएगा, प्रश्न चिन्ह लगाता है इस पर। और द रोल ऑफ मीडिया, नॉन कंट्रोल रैम्पेंट रोल ऑफ मीडिया, या दूसरा कर लो पुट्स इट, इसे कटघरे में खड़ा कर पुट्स इट्स इसको खड़ा कर देता है, puts it into dock, इसे क्वेश्चन मार्क लगा देता है बहुत अच्छे से क्वेश्चन मार्क लगा देता है। तो देखिए आप इसकी समरी, चौथा पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। मीडिया इज दैट पोलिस्टार, ये वो ध्रुव तारा है देश का, वो कंट्री का ध्रुव तारा है। विच कैन नॉट बी वाइड विथ, जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती बाय एनी फाउंडेशन स्टोन, किसी भी आधार स्तंभ से, किसी भी आधारशिला से। मीडिया हैड प्लेड ए वाइटल रोल, मीडिया ने बहुत अच्छा रोल निभाया था। जेसी का लाल नितिन कटारा मर्डर केस, कटारा और कर देना पूरा नाम आ जाएगा, नितिन कटारा ऐसा लगेगा, पूरा अच्छी स्टडी होकर आया है केस, वो सॉरी दीमान। मीडिया हैड प्लेड ए वाइटल रोल इन जेसी का लाल नितिन कटारा मर्डर केस, मीडिया हैड प्लेड ए पॉजिटिव एंड क्रिएटिव रोल इन दिस कोल्ड ब्लडेड मर्डर, ए कॉमन पर्सन हैज इम्पेनिट्रेबल टच। आसाराम ने हमने कहा कि साहब ये ने हाइप किया था, आयुषी मर्डर केस में हमने कहा कि साहब इसने हाइप किया था, इसने मीडिया ट्रायल किया था, लेकिन यहाँ पर नहीं किया, यहाँ पर इसने बहुत ही पॉजिटिव भूमिका निभाई थी, जो केस के नाम है जेसी का लाल मर्डर केस और आपका नितिन कटारा मर्डर केस। मीडिया हैड प्लेड ए पॉजिटिव एंड क्रिएटिव रोल इन दिस कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स, मीडिया ने बहुत ही सृजनात्मक और बहुत ही रचनात्मक, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही क्रिएटिव रोल निभाया था इन सोची समझी गई हत्याओं में। फिर एक कॉमन पर्सन हैज, एक आम आदमी रखता है इम्पेनिट्रेबल ट्रस्ट, अभेद भरोसा इन मीडिया में, क्योंकि मीडिया को कहते हैं वो गोली की तरह काम करता है, बंदूक की गोली की तरह काम करता है जो सीधा दिमाग पे स्ट्राइक करती है। तो मीडिया इज अकीन टू बुलेट ऑफ ए गन विच स्ट्राइक्स माइंड डायरेक्टली, वो माइंड को सीधा स्ट्राइक करती है, मीडिया में इतनी पावर होती है क्योंकि पूरी दुनिया को पलटने के लिए आई थिंक मोर देन सफिशियंट। और इट इज नॉट पपेट ऑफ द बिग शॉट्स, ये बड़े आदमियों की कठपुतली नहीं होती है। द रोल ऑफ मीडिया इज नॉट होल्डिंग वाटर एट टच स्टोन ऑफ टाइम, समय की कसौटी पर मीडिया खरा नहीं उतर रहा है क्योंकि वो हाइप कर देता है। हालांकि सुशांत सिंह की मर्डर केस के बाद मीडिया पर कुछ इंस्ट्रक्शन इम्पोज कर दिए गए हैं, और उसको कौन सा रोल का वो करेगा, कोर्ट ऑफ कंटेम्प 1971 में, यदि वो अपनी गुल्ली सेक की मर्यादा को लांघेगा तो नेचुरल है उसमें आपका ऑफेंस मानकर कोर्ट ऑफ कंटेम्प के अंतर्गत, कंटेम्प ऑफ कोर्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। और द रोल ऑफ मीडिया इज नॉट होल्डिंग वाटर वो लिखिए एट टच स्टोन ऑफ टाइम, होल्डिंग वाटर खरा नहीं उतर रहा है एट टच स्टोन ऑफ टाइम, समय की कसौटी पर। और द अनकंट्रोल और रैम्पेंट रोल, इसकी भूमिका बेकाबू भूमिका मीडिया की क्या करती है, पुट्स इट इनटू डॉक, इसे कटघरे में खड़ा कर देती है, इसे क्वेश्चन मार्क लगा देती है, इसे ये कहती है कि पुट इनटू डॉक। अशोक एक बार रिपीट करें, डॉक, मीडिया इज दैट पोलस्टार ऑफ कंट्री, मीडिया वो ध्रुव तारा है जिससे कोई पिलर, चाहे आप किसी भी पिलर, विच कैन नॉट बी वाइड विद, जिससे होल्ड नहीं की जा सकती, कॉम्पीट नहीं किया जा सकता, वाई अपना विथ साथ लेगा, किसके द्वारा, बाय एनी फाउंडेशन स्टोन, किसी भी आधार स्तंभ के द्वारा।
और मीडिया हैड प्लेड ए वाइटल रोल, मीडिया ने एक बहुत अच्छा रोल निभाया था। कौन कौन से केसेस में? जेसिका लाल और नितिन कटारा केस में, आयुषी भट्ट केस और बाबा आसाराम में वो हाइप कर गया था, वहाँ रोल अलग था। मीडिया प्लेड ए पॉजिटिव एंड क्रिएटिव रोल, वो सृजनात्मक और पॉजिटिव रोल निभाता है, निभाया था इन कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स, इस सोची गई समझी गई हत्या में। ए कॉमन पर्सन हैज इम्पेनिट्रेबल, इम्पेनिट्रेबल, इम्पेनिट्रेबल अभेद, जिसको भेदा ना जा सके, इम्पेनिट्रेबल ट्रस्ट इन मीडिया, मीडिया में अभेद भरोसा होता है कॉमन आदमी का। इट इज नॉट पपेट ऑफ द बिग शॉट, ये बड़े आदमियों की कठपुतली नहीं होती है कि चाय जैसा हिला दिया। द रोल ऑफ मीडिया इज नॉट होल्डिंग वाटर, ये बात सही है। एट टच स्टोन ऑफ टाइम, टीआरपी बढ़ाना, एड लेना, इतना मोटिव बन चुका है, इतना मोटो बन चुका है। और द अनकंट्रोल्ड और रैम्पेंट रोल ऑफ मीडिया, क्वेश्चन इट, इस पर क्वेश्चन लगा देते हैं, पुट इट टू डॉक, इसको कटघरे में खड़ा कर देते हैं। क्लियर आज का सेशन?